नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा गौर, आप सभी का स्वागत है द नगरी न्यूज में। राजस्थान पुलिस में बंपर पदों पर भर्ती निकलने वाली है। 12वीं पास परीक्षा के लिए योग्य होंगे। आपको बता दें, पुलिस मुख्यालय ने पुलिस भर्ती के नए नियम जारी कर दिए हैं। सीईटी में 40% जनरल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी और 36% एससी एसटी वाले कैंडिडेट्स फिजिकल में भाग ले सकेंगे। फिजिकल के बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से परीक्षा होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा क्वालिफाइंग प्रकृति की होगी। उम्मीदवार अपने जोखिम पर पीईटी से गुजरेंगे। पीईटी में असफल होने वाला उम्मीदवार अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो वहीं पीईटी के लिए कोई अपील नहीं होगी। पीईटी के लिए केवल एक मौका दिया जाएगा। दौड़ में पुरुषों को 5 किलोमीटर 25 मिनट में, महिलाओं को 5 किलोमीटर 35 मिनट में और भूतपूर्व सैनिक 5 किलोमीटर 30 मिनट में पूरी करनी होगी। 12 अंक के शहरिया उम्मीदवार और टीएसपी क्षेत्र के एससी एसटी उम्मीदवार के 5 किलोमीटर 30 मिनट में पूरी दौड़ करनी होगी। अब आप जानिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्या है। 2 घंटे की अवधि का वस्तुनिष्ठ प्रकार का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट राजस्थान राज्य भर में डीजीपी द्वारा निर्दिष्ट केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक 1 अंक के 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 25% अंक काटे जाएंगे। तर्क और कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान प्रश्नों की संख्या 60 होगी और 60 अंकों की होगी। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, करण जीके तथा महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारी तथा उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाएं एवं संस्थाओं के संबंध में प्रश्न की संख्या 45 होगी और 45 ही अंक होंगे। परीक्षा में राजस्थान को इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक संस्कृति और कला के प्रश्न 45 होंगे और 45 ही अंक होंगे। तो चलिए अब ये जानते हैं कि अंतिम परिणाम जारी कैसे होगा। सभी पात्र और सफल उम्मीदवारों की एक संयुक्त योग्यता सूची सीबीटी और दक्षता परीक्षा विशेष योग्यता प्राप्त अंकों के घटते क्रम में तैयार की जाएगी। इसे सीबीटी, दक्षता परीक्षा और विशेष योग्यता में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर संबंधित भर्ती बोर्ड द्वारा श्रेणीवार भी किया जाना चाहिए। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी समान अंक पाते हैं तो अधिक आयु वाले व्यक्ति को ऊपर रखा जाएगा। जहां 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के अंक और आयु समान हो, वहां उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले व्यक्ति को ऊपर रखा जाएगा। जहां 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के अंक, आयु और शैक्षणिक योग्यता समान है, सीबीटी में उच्च अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति को उच्च स्थान पर रखा जाएगा। जहां 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के अंक, आयु, शैक्षणिक योग्यता और सीबीटी में अंक समान है, उनके नाम मेरिट सूची में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखे जाएंगे। योग्यता में उच्च स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार आरपीएसएसआर 1989 के नियम 23, 24 और 25 के प्रावधानों के अधीन नियुक्त के लिए पात्र होंगे। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब मिलेंगे अगली अपडेट के साथ।